हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आदर्श रथ रिपोर्ट। सो इलेक्शन टाइम, इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्शन रिजल्ट, इलेक्शन का नंबर्स एंड फ्यू सरप्राइजिंग केसेस जिसको बहुत लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। सो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सी ये जो इलेक्शन था, इलेक्शन हैपेंड इन 7 phases, 7 phases में हुआ फॉर 543 सीट्स लोकसभा इलेक्शन। सो लोकसभा इलेक्शन हुआ 543 सीट्स के लिए और इसी दौरान सो 4 विधानसभा इलेक्शंस भी हुआ, विच इज़ फॉर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। तो 4th में जो काउंटिंग हुआ अभी, वो 3 चीज़ के लिए हुआ। एक तो लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट, विच इज़ फॉर 543 सीट्स, और आंध्र प्रदेश और ओडिशा का भी जो विधानसभा इलेक्शंस हुए थे, सो उनका भी रिजल्ट अनाउंस हुआ। सो फर्स्ट लेट अस डिस्कस दी लोकसभा इलेक्शन, विच इज़ फॉर 543 सीट्स। सो इंटरेस्टिंगली, ऑफ कोर्स यू ऑल नो द रिजल्ट, विच इज़ एनडीए सिक्योर्ड 292 एंड जो इंडिया ब्लॉक है लेड बाय कांग्रेस सिक्योर्ड 232 सीट्स। सो 543 में से मेजॉरिटी के लिए जो मैजिक नंबर चाहिए वो है 272। तो एनडीए जो है, एनडीए क्रॉस्ड 272 एंड इट इज़ एट 292 नाउ। नाउ इन 2014 बीजेपी का जो स्कोर था, विच वॉज 282 एंड वो 2019 में वो बढ़ गया 303 में, एंड इस बार 2024 में इट केम डाउन टू 240। वेर इज इन कांग्रेस का अगर आप देखें तो कांग्रेस में 2014 का स्कोर था 44 नंबर्स, उसके बाद 52, 2019 में 52 बढ़ा और इस बार 99। सो अगर आप नंबर्स में देखें तो कांग्रेस हैज परफॉर्म्ड वेल, बीजेपी थोड़ा नीचे हुआ, बट द नंबर्स आर ह्यूज ऑफ कोर्स। सो बीजेपी का जो वोटर परसेंटेज था, जो टोटल वोटिंग, तो वो है 31% 2014 में, वो बढ़ गया 2019 में 37% और इस बार भी मोटा मोटी 37% ही है। मतलब अगर 100 लोग जाते हैं वोट करने के लिए तो 37 ने बीजेपी को वोट दिया है एंड बाकी जो है वो किसी दूसरे को दिया, दैट इज़ ये वोटिंग परसेंटेज होता है। एंड देन कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज है वो 2014 में 19% था, 2019 में अगेन वो 19 रहा, इस बार थोड़ा उनका बढ़ा है, विच इज़ अराउंड 22%। ठीक है, सो तो एनडीए का अगर आप देखें इस बार का 2024 इलेक्शन में, एनडीए हैज क्रॉस्ड द मेजॉरिटी मार्क, विच इज 272 से बढ़ के अभी उनका 292 है, वो 292 में से बीजेपी है 240, राइट। सिमिलरली जो इंडिया ब्लॉक है उनका स्कोर है 232, वो 232 में से 99 कांग्रेस का है। ठीक है, लेट अस ऑल एडमिट के ये इलेक्शन रिजल्ट वॉज नथिंग लेस देन आईपीएल, बहुत रोमांचक भरा था एंड एटलीस्ट वी मस्ट अग्री कि जैसे सोचा था ये ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, इट वॉज रियली कॉम्पिटिटिव। ठीक है, एग्जिट पोल का माने तो वो उन लोगों का ये कहना था कि इस बार बीजेपी नॉर्थ और वेस्ट में थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन वो कॉम्पेंसेट होगा ईस्ट और सदर्न एरियाज में। तो ये था, फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे जहाँ कम होने का जो बात था, देखिए यूपी एक्चुअली मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करता है, 543 में से 80 यूपी से ही है, उत्तर प्रदेश से है। अभी उत्तर प्रदेश में लास्ट टाइम जैसे स्वीप हुआ था, इस बार नहीं हो पाया, बीजेपी का परफॉर्मेंस वॉज ओनली 33 सो आउट ऑफ 80, सो विच इज नॉट अ वेरी गुड साइन। इनफैक्ट आप समाजवादी पार्टी का देखेंगे तो उनका 37 है, मोर देन बीजेपी, समाजवादी पार्टी, और कांग्रेस को इंक्लूड कर दिया जाए तो और 6 है उनका। सो यूपी में दे डिड नॉट डू वेल। सेकेंड स्टेट जो इम्पैक्ट किया वो है महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र में आउट ऑफ 48 सीट्स, महाराष्ट्र में टोटल 48 सीट्स हैं, महाराष्ट्र में दे कुड, बीजेपी कुड विन ओनली 9 सीट्स आउट ऑफ 48, 9 सीट्स। ऑफकोर्स उनका जो एलाई थे शिवसेना, शिंदे जी का शिवसेना, दे स्कोर्ड 9, सॉरी 7, सो 9 प्लस 7 है एनडीए का।
वेरियस आप महाराष्ट्र में इंडिया ब्लॉक का अगर देखेंगे वोट, सो कांग्रेस स्कोर 13, उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना है दे स्कोर 9, एंड एनसीपी जो शरद पवार जी का एनसीपी है दे स्कोर 8, सो 13+9+8, सो दे परफॉर्म्ड वेल वेल इन टर्म्स ऑफ अगर आप एग्जिट पोल का माने तो उस हिसाब से, राइट. वॉट वेंट वेल फॉर बीजेपी वॉज एज एक्सपेक्टेड, लाइक आप छत्तीसगढ़ देखे, मध्य प्रदेश देखे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, दिल्ली, ये सब दे स्वीप्ड, आई मीन मोस्टली ऑल ऑफ द सीट्स वेंट टू बीजेपी. एंड पंजाब ऑफकोर्स दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग मच. हरियाणा में अगेन 5-5 कांग्रेस और बीजेपी का 5-5 था. बट what hurt them is of course UP, Maharashtra, and one more and two more states which did not contribute well as they thought might be. एक है वेस्ट बंगाल. सो वेस्ट बंगाल में दे थॉट कि हम लोगों का थोड़ा वोट शेयर्स बढ़ेगा करके शायद बीजेपी सोचे होंगे, बट टीएमसी डिड रियली वेल. सो बीजेपी का स्कोर वाज ओनली 12. वेस्ट बंगाल में टोटल सीट्स है 42 एंड वेर इज बीजेपी स्कोर ओनली 12, वेर इज टीएमसी स्कोर 29. सो उनका नंबर 29 रहा आउट ऑफ 42. सो टीएमसी डिड रियली वेल. एंड तमिलनाडु में थोड़ा वो अपसेट हुए रहेंगे बिकॉज अगेन उनका खाता नहीं खुल पाया बीजेपी का. सो तमिलनाडु डिड नॉट डू, बीजेपी डिड नॉट डू वेल इन तमिलनाडु. लेकिन वॉट सेव्ड देम, वॉट सेव्ड देम वेर वन इज उड़ीसा, वन इज आंध्र प्रदेश एंड बिहार. यस. सो उड़ीसा में 21 एमपी सीट्स हैं, आउट ऑफ 21 बीजेपी स्कोर 19. पहले सिंगल डिजिट्स में जीतते थे, अभी 19. सो आउट ऑफ 21 19, सो ऑलमोस्ट बीजेपी स्वेप्ट उड़ीसा में. एंड इन आंध्र प्रदेश आप देखें तो पिछले बार आप आंध्र प्रदेश में टोटल सीट्स है 25. पिछले बार 2019 में 25 में से जो जगन रेड्डी का पार्टी है दे स्कोर 22, लेकिन इस बार टीडीपी स्कोर 16 एंड जो पवन कल्याण का जो जनसेना पार्टी है उनका 3 एंड बीजेपी का 3. सो बीजेपी का 3 एंड जनसेना का 2. सो अगर आप देखें तो 16+3+2, सो 21 आउट ऑफ 25. एंड बिहार, बिहार में बीजेपी वन 12 सीट्स एंड उनके जो अलाई पार्टनर्स जेडीयू नीतीश कुमार जी का, सो दे ऑल्सो वन 12 सीट्स एंड एलजेपी 5 सीट्स. थ्री स्टेट्स जहाँ पे वो थोड़ा डिसअपॉइंट हुए रहेंगे विच इज यूपी, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल एंड ऑफकोर्स तमिलनाडु ऑल्सो. तमिलनाडु का पहले भी उनका ज्यादा मतलब स्कोर खुलता नहीं था, लेकिन इस बार दे हैड एक्सपेक्टेड. नाउ एज प्रोमिस्ड थोड़ा सरप्राइजिंग केसेस कुछ है विच वी मस्ट डिस्कस. जैसे वेरी इंपॉर्टेंट जो राम मंदिर का डिस्कशन होता था, इनफैक्ट बीजेपी लॉस्ट इन अयोध्या सीट विच वॉज, आई डोंट थिंक इट वॉज एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेशन नहीं रहा होगा. एंड मच टॉक्ड अबाउट स्मृति ईरानी लास्ट टाइम, जैसे स्मृति ईरानी बिकॉज अमेठी सीट में राहुल गांधी को वो डिफीट किए थे, सो बट दिस टाइम स्मृति ईरानी लॉस्ट टू किशोरी लाल. सो दैट वॉज वन ऑफ द सरप्राइजिंग केसेस. एक और था केस विच आई मस्ट ब्रिंग इज द अन्नामलाई, जो तमिलनाडु में अन्नामलाई वॉज रियली टॉक्ड अबाउट केस, लेकिन अन्नामलाई ऑल्सो डिड नॉट विन. एंड वन मोर सरप्राइजिंग केस वॉज अधीर रंजन चौधरी, हु इज द वेस्ट बंगाल कांग्रेस चीफ, लेकिन ही लॉस्ट हिज बहरमपुर वेस्ट बंगाल सीट टू यूसुफ पठान. सो यूसुफ पठान जो एक्स क्रिकेटर हैं, ही वन. महुआ मोइत्रा, शी विंस इवन आफ्टर लॉट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी. एंड वन मोर सरप्राइजिंग केसेस, आई मीन नॉट सरप्राइजिंग इफ यू सी द एग्जिट पोल, सो से मधुलता फ्रॉम हैदराबाद सीट, शी लूजेस अगेन. असदुद्दीन ओवैसी विच इज यू नो AIMIM का दी ओनली सीट जो वो लोग जीते हैं वॉज द हैदराबाद सीट. कंगना रनावत वॉज ऑल्सो टॉक्ड अबाउट केस, सो शी विन्स फ्रॉम मंडी सीट. अदर टॉक्ड अबाउट केस, सुप्रिया सुले विन्स, वो उनके भाभी के सामने ही लड़ रही थी, एंड अजित पवार की वाइफ, सो सुप्रिया सुले विन्स.
So this was a little summary of Lok Sabha election. Before I conclude, I must talk about the two Vidhan Sabha jitka counting bhi 4th June ko hua, which is Andhra Pradesh and Odisha. Interesting is dono hi ruling party haar gaye. Jo existing ruling party the wo haare. Actually Andhra Pradesh mein YSRCP Jagan Reddy was ruling. He was the chief minister. Lekin is election mein TDP has crossed the magical number. So total Vidhan Sabha seats in Andhra Pradesh is 175 and the magical number is 88. Majority mark is 88. So TDP gets jo Telugu Desam party hai jo Chandrababu Naidu ka party hai. So they scored 135 and Jan Sena jo unka ally hai, which is led by Pawan Kalyan, they also scored 21. BJP scores 8. So they are beyond the majority mark. In fact, इनका परफॉर्मेंस आंध्र प्रदेश में बीजेपी का परफॉर्मेंस बीजेपी एनडीए का परफॉर्मेंस बोथ विधानसभा और लोकसभा दोनों में बहुत अच्छा था. सेम स्टोरी विथ उड़ीसा. उड़ीसा भी अभी विधानसभा का टोटल सीट है 147 एंड हियर फर्स्ट यू नो आफ्टर 24-25 ईयर्स सो नवीन पटनायक का जो पार्टी है बीजेडी दे लॉस्ट. सो मेजोरिटी मार्क 74 है. बीजेपी स्कोर 78. सो बीजेपी विंस हियर. सो आफ्टर 24-25 ईयर्स एक नया सत्ता अभी आएगा ओडिशा में. सो बीजेपी स्कोर इज 78. बीजेडी का स्कोर 51 में रह गया. कांग्रेस 14 एंड अदर्स 4. सो बीजेपी क्रॉसेस द मेजोरिटी मार्क ऑफ 74 इन ओडिशा. So thank you for watching the video and stay tuned for more such insightful videos. Thank you.